देखी तो तन मन जागा, नैनन भीतर कजरा जागा, अंग अंग सारा हमरा जागा। मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा, मोहे पिया रंग लागा। पता है निगार से कुरान पर कसमें उठवाई हैं, मतलब मेरी बहन इतनी लालची और चोर है कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कसमें उठा रही है। उन्होंने अगर खुद नोनी को तलाक ना दी तो मैं खुला का दावा करा दी। क्या खाक आराम करूं मैं? तुमने तो हमें बेआराम करने का ठेका उठा लिया। ना खुद अपने ससुराल में आराम से रह रही है, ना मुझे रहने दे रही है। ये शायद भूल गई है कि हम इसके बड़े बहन भाई हैं। नहीं, बल्कि मुझे याद आ गया कि मैं भी अब इतनी छोटी नहीं रही। तो तुम कैसे बात कर रही? अपिया से ऐसे बात करती? मैं अपिया से नहीं, अब्बा से बात करना चाहती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे मेरे मामले में अब्बा से बात करने दें तो बेहतर होगा। हद हो दी है बदतमीजी की अब्बा। आप देख रहे हैं, जब मोहतरमा आपके सामने दूबदू मुझसे इस तरह बात कर रही है तो अपने ससुराल में क्या तेवर दिखाती होगी। मेरा ससुराल? मेरा ससुराल और शादी मेरा मसला है। आप लोगों को इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। अब्बा। जी बेटा। जब आप अकेले में बात कर सकें तो मुझे बुला लीजिए। एक मिनट बेटा, अभी बात कर लो ना आप। शाना, तुम्हारी बहन कुछ बात करना चाहती है। बेटा आप लोग जरा जाओ। लेकिन अब्बा, फिलहाल तुम दोनों जाओ बेटा, बात समझा करो। चलो शालम, अब इन लोगों को हमारी कोई जरूरत नहीं और मोहतरमा बहुत बड़ी हो गई हैं। चलो। जी बेटा, मेरी बच्ची अब बताएगी क्या बात है। पापा, सब कुछ जानते लेकिन आपको एक बात नहीं पता। इस बात के यहां तक आने में सिर्फ मेरा कसूर है, सारी गलती मेरी है, मेरी कमजोरी। हमेशा ये सोचा कि हम छोटे हैं तो सब कुछ हमें ही बर्दाश्त करना होगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है अब्बा। लेकिन मैंने सोच लिया कि अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, गलती हमारी है। ये तो छोटा है, इसे क्या पता बीवी की अय्यारी और मक्कारियों और चलाकी का। हमें समझाना चाहिए। अरे अम्मी, वो ऐसी दूरी चाले चलने वाली थी? ये बात हमारे पल्ले कब पड़ी थी? अरे भाई, हम लोगों के दिमाग कैसे ऐसे चलते हैं। मगर अम्मी, उन्होंने दिमाग का सामान खुद से भिजवा दिया है। अब आप जितनी जल्दी हो सके इस मामले को निपटाएं ताकि मुन्ने की जान छूटे। हाँ भाई,
जब उन्हें लड़की बसानी नहीं थी तो उन्हें ब्याहनी नहीं चाहिए थी। मुन्ने अब कहो भी अगर तुम्हारा कुछ और इरादा है तो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जिस लड़की ने निगार पर जेवर चोरी होने का इल्जाम लगाया उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा मैं। चुराने का नहीं कहा था, उसने कहा था कि बजे और दुल्हन भाभी ने मुझसे वापस ले लिया। हाँ ये सुनो नई बात है मुन्ने, तुम बंद करो अच्छा ये अपनी बेगम के इल्जाम की तशहीर करना। लो भला अब देखो ऐसी लड़की कैसी होगी, अपनी बड़ी भावच पे और बड़ी नंद पे ऐसे इल्जाम लगा दिए और तुम उल्टा सफाइयां दे रहे हो। हम क्यों रखने लगे भाई जेवर उसका? मैं भी तो यही जला बैठा हूं, दिल तो चाहता है उसके अब्बा को फोन करके ऐसी इज्जत अफजाई करूं। भला बताओ मतलब उन्होंने हमें छोटे दिल का समझ लिया है कि जो चीजें हमने बहू को दी हैं वो उनसे वापस ले लेंगे? अम्मी मैं तो कहती हूँ बस अब मुन्ने से साइन करवा के तलाक का पर्चा भिजवा दें घर आप। मैं कल ही बनवाता हूँ, कल ही मुन्ना साइन करेगा, परसों मैं खुद कोरियर करवाऊंगा। जब बेटी इतनी झूठी है तो अल्लाह जाने घर वाले कितने बड़े साजिशी होंगे, और क्या पता अम्मी कोई झूठी जेज की लिस्ट बनाकर हम पे केस करने का ना सोच रहे हो। ओहो तो ऐसा कौन सा जेज दिया है जिसपे वो केस कर देंगे? अम्मी इसीलिए तो मुझे अब डर है, आजकल कुछ लोगों का धंधा भी यही होता है, आजकल पता ही नहीं चलता कौन इंसान शरीफ है कौन जलील। मेरा तो इन लोगों पर से एतबार ही उठ गया है। अब्बा उसने हमें किसी काबिल ही कब समझा? मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा। मियां उसके हालत को भी समझो, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। शुक्र करो कि वो इसका बोझ किसी के समीर पर नहीं डालना चाहते। बोझ? कैसा बोझ अब्बा? हम तो अपनी छोटी बहन का भला ही चाहते हैं। भला चाह रहे थे उसको तलाक पर राजी करके। उसकी शादी खत्म करा के उसका घर उजाड़ के। नहीं कहो ये आसान था तुम्हारे लिए कि कल को वो ये कहे कि आपने उसका घर बर्बाद कर दिया, और शालम कल को ये नहीं कहेगी तुमने इशरार किया था। क्या उस वक्त तुम खुद को अपनी बहन का मुजरिम नहीं समझोगे? मेरी बच्ची ने अपना दिल पत्थर का कर लिया है। वो कह रही है कि अब वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद करेगी। अब्बा नोनी तलाक लेने के बाद करेगी क्या? वो कह रही है कि जैसे ही दाखिले शुरू होते हैं वो एमए में दाखिला ले लेगी, खुद पढ़ेगी, घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी, और वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। ओहो तो मोहतरमा ने यह मुसलसल डेरे डालने का पूरा प्लान बना लिया है। अब हमारे सर पर पढ़ाई भी होगी और कमाई भी। खैर मैं यहां ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। फिर अब क्या करूं? खुला के लिए केस तो करना ही पड़ेगा ना।
करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन रुक जाओ, क्या पता वो लोग अपनी गलती का एहसास करके आ जाए जैसे इससे पहले आए थे। अब पहले की और अब की सूरत हाल में बहुत फर्क है। और वैसे भी मुझे तो नहीं लगता कि निगार और तस्नीम इस बार भी नोनी को मनाने आ जाएंगे। इस सेट की वजह से सारी बात हो रही है। ये सब मिलके चाची को तलाक दिलवाना चाहते हैं। चाची तो इतनी अच्छी हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मैं चाचू को बताऊं तो ये क्या हो रहा है? मम्मा वो बस देख रही थी। तुम्हें मना किया है ना? हाँ, बड़ों की बातों में मत घुसा करो। और ये सेट यहाँ इसलिए नहीं रखा कि तुम इसका दीदार करती रहो, समझी? हटो, मैं जान निकाल दूंगी अगर तुमने अपने अब्बा चाचू से कुछ कहा तो, समझी? लेकिन मम्मा, चाचू चाची को छोड़ देंगे सिर्फ इसकी वजह से। तो छोड़ दे भाई, जब तुम्हारी दादी और फुप्पो ये चाहती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हम समझ गई हो? क्यों नहीं कर सकते मम्मा? आप चाचू को बता देना, ये सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं चाची पर। तुम्हें नौरीन से इतनी मोहब्बत कब हो गई? पहले बात और थी, पहले बात खुलती तो सारा इल्जाम दादी और फुप्पो पर आता। अब तो अबरार मुझे भी ऐसी बातें सुनाएंगे ना, एक तूफान इकट्ठा कर देंगे। तौबा, जब नौरीन इस घर में आई ना तो पापा हमें घर से निकाल देंगे। उसे तलाक नहीं हुई तो समझो मुझे होगी, समझ गई? बेचारी चाची। देखे सरा, इस बार तो नौरीन ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया, अब हम कुछ कह भी नहीं सकते। इस दफा तो नोनी भी मुझे कुछ बदली हुई लग रही। शनी के बड़े बहन भाइयों को हर मामले से, हर बात से दूर रहने का कह दिया, तो फिर अब बचा क्या है? कुछ नहीं बचा ना, आप कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो फिर हम खुद को इस मामले से दूर कर लेते हैं। क्या रायजा, तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। तो और क्या करूं, इस घर में मेरी तो रहने ही दे, आपकी भी कोई हैसियत नहीं है। छोटी बहन के मुंह में जो आ रहा है कह रही है, दिल में जो समा रहा है कर रही है। मुझे एक बात बताएं, आप कब तक ये सब कुछ खामोशी से सहते रहेंगे? अप्पा उसी की सुनेंगे, मेरा कुछ कहना सब जाया होगा, बेकार है। ठीक है, फिर बेहतर यही है कि तलाक का फैसला हो जाए, फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है। बल्कि मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द ये तलाक करवा दें। रोज रोज के हंगामे से बेहतर है एक ही बार किस्सा खत्म हो जाए। मैं भी यही चाह रहा हूं, अगर नोनी की किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। सिकंदर बजाते खुद बुरा लड़का नहीं है। सही कह रहे हैं आप, सिकंदर बहुत ही नेक लड़का है, सबका ख्याल रखने वाला, सबसे प्यार करने वाला। बस एक आपकी बहन के दिमाग नहीं मिल रहे। अच्छा सुने, एक बात कहूं आपसे, जब नौरीन मोहतरमा ने सब बड़ों को साइड पर कर दिया है ना,
तो आपको भी ये कोर्ट कचहरी के मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो अब्बा कह रहे थे ना कि केस करना है, अब्बा को क्या पता, ये कोर्ट कचहरी के खेल पैसे के खेल होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गए, वरना आप जानते हैं ना वकील फी सबीलिल्लाह केस नहीं लेते। ठीक कह रही हो तुम, मेरा इस मामले से अब कोई वास्ता ही नहीं है। अब्बा जाने और उनकी बेटी जाने, जो मर्जी दिल में आए करती फिरे। जी चाचू कहाँ गए? कितनी बड़ी सजा मिली है मुझे। मैं अपनी मां का दिल दुखाकर अपनी खुशियां ढूंढने चला था। अम्मी से ज्यादा प्यार मुझसे कोई कर ही नहीं सकता। अब वही होगा जो आप चाहेंगे। अम्मी, अम्मी। हाँ क्या हुआ? अम्मी होना क्या था, गजब हो गया। क्यों दिल दहला रही, क्या हुआ जल्दी बता। अम्मी वो रहीम भाई की कॉल आई थी, निगार अस्पताल, निगार स्लिप हो गई, उसे अस्पताल ले गए। हाय मेरी बच्ची। बेटा मैं वकील से बात कर चुका हूँ, उन्होंने कुछ दिन रुकने का मशवरा दिया है। अब्बा मुझे कोई जल्दी नहीं है, बस मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। सिकंदर चाहे मुझे आज तलाक दे दे या सारी उम्र ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? देखो अगर उनको भी रिश्ता ना रखना हुआ तो मैं तुम्हें सारी जिंदगी कैसे बिठा सकता हूँ? मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं। अब्बा ऐसी बातें नहीं करते, अम्मी भी आपको हमेशा मना करती थी ऐसी बातें करने से। और अब उनके पास जाऊंगा क्या कहेंगी पता है? यही कहेंगी नौनी के अब्बा तुम नौनी को संभाल ना सके, उसे किसके सहारे छोड़कर चले आए। नौनी बेटे तुमने जो मुझे पूरी बात सुनाई है उसे मैं यही समझाऊं कि इसमें ना तुम्हारा कसूर है ना सिकंदर का। अब्बा फुलो फुलो, मैं तो एक इस मेहमान नवाजी से तंग आ गई। पहले तुम आ गई
फिर रूबीना आ गई, फिर अपनी पूरी फैमिली भी ले आई वो, फिर दोबारा तुम और सिकंदर आ गए।